दाऊद इतना ऊंचा नहीं था। दाऊद सबके सामने आया गोलियत को मारने के बाद। एक अभिषिक्त जन ये बात जानता है, परीक्षा मारने नहीं उठाने आती है। एक अनॉइंटेड व्यक्ति का ये व्यू होता है, जब वो देखता है ना चैलेंज आया है, टेस्ट आई है, ट्रायल्स आए हैं, वो जानता है ये ट्रायल डुबाने नहीं, इससे लड़ने के थ्रू खुदा मुझे और ऊंचा उठाएगा। आप याद रखिए, वी पीपल, हम जो लोग हैं, कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में परीक्षा इसलिए नहीं आने देगा कि आपको वो डुबो दे। परीक्षा इसलिए आएगी ताकि वो आपको और उठाए। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। प्लीज प्रे फॉर अस दैट गॉड गिव्स अस आवर ओन चर्च सो दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन सिट देयर एंड लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। वी आर इन अ स्मॉल प्लेस एट द मोमेंट and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आप जानते होंगे जीसस बहुत बार पैराबल्स में बात करता था। इसे हिंदी में कहते हैं दृष्टांत। एक गॉस्पल में तो ऐसा लिखा है कि बगैर दृष्टांत के वो कुछ नहीं बोलता था। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रदर क्यों वो दृष्टांतों में बोलता था, उसका रीजन क्या था। देखिए, आज की क्रिश्चियनिटी और प्रभु जिस चर्च को बिल्ड करने आया था उसमें बहुत फर्क है। जीसस क्यों पैराबल्स में बात करता था, ताकि लोग उसको सुने और न समझें, और न समझने के बाद उससे पूछने आए, तब वो उनको एक्सप्लेन करे। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ भीड़ इकट्ठी नहीं होती थी, भूखे और प्यासे लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन आज आप देखते होंगे कि हम बड़े पैशनेट हैं चर्च को भरने के लिए। भले ही हमारे चर्च में डिसाइपल्स कितने हैं वो उसके बारे में हमको पता ही नहीं है, लेकिन चर्च भरी हुई होनी चाहिए, चर्च फुलफिल होनी चाहिए, ताकि फोटोज निकाल के शो ऑफ किया जा सके कि हम भी कुछ हैं, है ना। करते हैं ना आजकल, एक गंदी स्पिरिट किंगडम्स में, खुदा के राज्य में आई है, जिसको निकाल के फेंकना चाहिए बाहर, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग, यीशु ने अपने लाइफ में दृष्टांतों में बातें की, कही ये दृष्टांत, और एक दृष्टांत उसने कहा जिसको बोल के मैं आज की शुरुआत करना चाहता हूं। उसने कहा, परमेश्वर का राज्य खमीर की तरह है। कहिए खमीर। हाँ, बहने समझती है ना,
आप ही समझते हो, हम तो नहीं समझते इतना। कहिए खमीर। हाँ, इंग्लिश में लिखा है लेवन। कहिए खमीर। यीशु मसीह ने अपने दिनों में, जब लेवन यूज होता था उन दिनों में, तो उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य एक स्त्री के समान है जिसने अपने आटे में खमीर मिलाया और आहिस्ते आहिस्ते वो आटा पूरा खमीर हो गया। खमीर क्या करता है आपको पता है? अगर आपने उसको थोड़ा डाल दिया और उसको करना स्टार्ट किया, फैल जाता है। वचन भी ऐसा ही है, वचन भी ऐसा ही है। जब आप उसे अंदर लोगे ना, तो वो आपकी पूरी लाइफ को पजेस करता है, वो आपके पूरे जीवन को अंदर से लेता है। ये सबके साथ नहीं होता, ये गुड लिसनर्स के साथ होता है। आप बहुत बार देखोगे कि कुछ लोग जो होते हैं, आप जानते होंगे, वो मीटिंग अटेंड करने में बड़े माहिर होते हैं कि नहीं टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, लेकिन वो कुछ कैच नहीं कर पाते, ग्रिप नहीं हो पाते। आप जानते हो, जब वचन आपके अंदर आएगा ना, वो आपको पूरा खमीर की तरह वो फैलता है, वो आपकी आंखों को लेता है, वो आपकी जुबान को लेता है। चलो मुझे बताओ, अगर आप कभी कभी कुछ बोल देते हो गलत, तो कोई वचन है जुबान का जो अंदर से आता है? आता होगा। कौन सा आता है, चलिए बताइए। अपने जीभ को वश में रख, और कोई? अपनी जीभ पे लगाम लगा, हाँ, याकूब 1:26। और कोई? बोलने में धीमे बनो। बहने मार्था, मरियम कहां गई? मरियम मगदलनी, याकूब, यहुन्ना, हाँ, जो कोई अपने आप को भक्त समझे, मैं बड़ा भक्त हूं, परम पवित्र स्थान में जाता हूं, और वो अपनी जुबान पे लगाम न दे, तो क्या है? आप देखो, आज भी आप कुछ करोगे, पीछे से वर्ड आएगा। भाइयों, जब आप किसी स्त्री को देखते हो बुरी नजर से, पीछे वर्ड आता है? क्या वर्ड आता है? करना तो छोड़, अगर देखा भी तो पाप नहीं आता है ना? पढ़ते नहीं हो ना ये सब? ये पासर पढ़े खाली है ना? देखिए, आज भी वर्ड आपको कंट्रोल करता है, और अगर आपको प्रभु वचन नहीं देता, तो इसका मतलब साफ है, आप पढ़ते नहीं है। पवित्र आत्मा को सुपर नेचुरली कोई 67 बुक में से कुछ नहीं देगा, वो हमेशा आपको जो आपने पढ़ा है, आपको हमेशा उसमें से ही वचन देगा। आप जानते हो, मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि बाइबल आपको खा जाए। कोई समझा? मेरी प्रार्थना है बाइबल आपको खा जाए। आमेन। वो आपको खा जाए पूरी तरह से, वो आपको यहां से लेके यहां तक इतना भर दे कि आप रात को सोएं भी ना तो उसके वचन आपके दिमाग में चलते रहें। परमेश्वर का राज्य खमीर की तरह है, उसका जो वचन है वो जीवन को लेता है। और आज मेरा विश्वास है, आज जो कुछ यहां से आएगा वो आपको ले लेगा। आज प्रभु आपको उत्साहित करेंगे, मेरा ये विश्वास है, मेरा ये भरोसा है। आप सब तैयार हैं? yes. हम शुरू करें? yes. कहिए बाजू वाले को, आज वचन तुझे खा लेगा। आमेन। क्या हम यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल, 1 सैमुएल। लाए हैं बाइबल? लाए हैं सब? ओके, अगर कोई नहीं लाया है तो उसकी हेल्प करो। ओके, पास वाले को उसको दिखाओ आप भी, और उसको दिखाने के बाद उसको बोलो, अगली बार नहीं दिखाऊंगा, अपना लाना। राइट? नहीं तो वो हमेशा यही सोचेगा, क्यों लेके जाऊं, वो दिखाता है ना मुझे।
1 Samuel chapter 17, पहला शमूएल उसकी 17वां अध्याय, 1 Samuel chapter 17, बहुत ही प्यारी स्टडी है आज. आज आपको प्रचार कम, बाइबल अध्ययन ज्यादा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा है ये. बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए. पहला शमूएल चैप्टर 17, और पंकज भाई आप कोट कीजिए 30वां वचन भैया, 30. 1 Samuel chapter 17 verse 30, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं. तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया. Praise the Lord. आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें. आइए सब आगे देखिए. अगर आपने इस वर्ड को बुकमार्क कर दिया, टिक कर दिया, तो प्लीज अब आप सामने ध्यान दीजिए. सुनिए, मेरी घड़ी बंद है इसलिए ठीक है. आइए सब सामने देखिए. लिसन, ये वो समय था इज़राइल में जब एक राजा तख्त पे तो था, पर उसका अभिषेक उससे ले लिया गया था. परमेश्वर को किसी को भी हटाने के लिए उसे सिंहासन से उतार के नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती. वो मात्र लोगों से अभिषेक ले लेता है. आप सिंहासन पर बैठे रहो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसीलिए प्रकाशित वाक्य के एक करप्ट लीडर को प्रभु कहता है, मन फिरा, नहीं तो मैं आऊंगा और मैं तेरे लैंप स्टैंड को, तेरे दीप स्तंभ को हटा दूंगा. इट मींस, एक ट्रांसलेशन में लिखा है, आई विल टेक अवे माय प्रेजेंस. मैं वहां से चुपचाप से चला जाऊंगा. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, खुदा के साथ रहने के लिए कुछ चीजों को ना कहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो चीजें जीवन में आ गई तो चीजें रहेंगी, वो साइड हो जाएगा. आपने कभी ध्यान दिया, उसका अभिषेक ले लेने के बाद जहां अभिषेक था वहां डीमन आ गया. सेम प्लेस पे लिखा है, उसको दुष्ट आत्मा सता रहा था, हैरस कर रहा था. कभी कभी तो उसे नींद नहीं आती थी, उसे इतना टॉर्चर करता था डीमन. ये वो दिन थे जब बाइबल बताती है इज़राइल के राजा का अभिषेक उससे ले लिया गया था. क्यों? अभिषेक लेने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि जो खुदा ने कहा था, जो कहा था वो नहीं हो रहा था, मिक्सचर हो रहा था. बोलिए, मिक्सचर. थोड़ा मैं, थोड़ा प्रभु. प्रभु ने उससे कहा, तू जा युद्ध करके आ, सबको खत्म कर दे. लेकिन ये बंदा सबको खत्म करके आया, लेकिन वहां के राजा और जानवरों को लेकर आया. और जब नबी आया तो नबी को कहता है, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया. नबी ने उसको कहा, शमूएल ने, तो फिर ये आवाजें क्यों आ रही हैं? ओ, ये वाली, ये तो मैं खुदा के लिए लेकर आया हूं बलिदान, इसको हम सेक्रीफाइस करेंगे. जैसे ही उसने ये कहा, परमेश्वर शमूएल से कहता है, मैं इस आदमी को राजा बना के पछताया. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रभु ने इस बंदे से अभिषेक ले लिया, जब परमेश्वर के काम करने की जो एबिलिटी थी, जो ताकत थी, वो ले ली गई. आप जानते हो, परमेश्वर ने, वचन कहता है, उन दिनों में एक और बंदे का अभिषेक कर दिया जिसका नाम था दाऊद.
His name was David. आप जानते हो दाऊद की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या थी, उसकी इज्जत क्या थी? आज मैं आपको थोड़ा उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग आपको ऐसा फील करवाएंगे कि यू आर नथिंग, तो कुछ नहीं है। जब सैमुअल ने दाऊद का अभिषेक करने के लिए जब वो उसके घर गया, आप जानते हो इतनी बड़ी हस्ती आ रही है घर पे, इज़राइल का सबसे बड़ा नबी उनके घर में आ रहा है, उस बाप ने अपने सारे बेटों को बुलाया है, लेकिन दाऊद वहां नहीं था। क्यों दाऊद को उसने, यू नो, लास्ट में वो उसे पूछता है, क्या यही तेरे सारे बेटे? बोलते हैं हाँ एक है। आप सोच सकते हैं, लोग उसे इस तरह देखते थे कि वो वैल्यूबल नहीं है, पर परमेश्वर उसमें एक योद्धा और एक राजा देखता था। आपकी वैल्यू लोग डिसाइड नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू आपके बनाने वाला डिसाइड करेगा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जो भी लोगों ने आपके साथ स्टेपलर की तरह आपके साथ चिपका दिया है ना, उन सारे नामों को निकाल के फेंक दो आज। देखते होंगे ना, पहले एक स्टेपलर यूज करते थे हम लोग, पेपर्स को लगा के लोग है ना, हर दिन आपके साथ कुछ स्टेपलर लगाते जाएंगे, तू डफर, तू डंपर, तू ये, तू वो। आज ना वो सारे पन्ने, जैसे जीसस ने विधियों का वो जो लेख था जो हमारे नाम पर था ना, लिखा है क्रूस पे, जड़ के मिटा डाला, खत्म कर दिया उसने। आज खत्म कर दो। ये लोगों ने जो भी आपको बोला है ना, तू बूढ़ा हो गया है, तू ये हो गया है, तू वो हो गया है, तू ये हो गया है, बहुत लोग आपको रोज नए नए नाम देंगे। बोलो अपने बाजू वाले को, मुझे नए नामों की आवश्यकता नहीं है। रोज नए नए। एक बार मैं अपने चर्च के एक भाई के साथ बैठा हुआ था, तो वो कुछ स्टेपलर से वो पेपर बनाते जा रहे थे। मैं देख रहा था उनको, उनको अच्छी प्रैक्टिस है फटाफट लगाने की। तो मैं देख रहा था, मुझे प्रभु कह रहा था, कितना कुछ है ना लोग तुम्हारे साथ रोज स्टेपलर से लगा के जाते और तुम उनके साथ जिंदगी जीते रहते हो। उसकी फैमिली उसको देख के कहती है कुछ नहीं है ये बंदा, लेकिन खुदा उसमें एक योद्धा और एक राजा देख रहा था। आपकी वैल्यू क्या है, आप जानना चाहते हो? कहिए मेरे पीछे, मैं इतना महंगा हूं कि कोई मुझे खरीद नहीं सकता, है ना? अरे हम इतने महंगे हैं कि हमें कोई खरीद नहीं सकता। हमें एक ही चीज ने खरीदा है, उसके लहू ने, इस प्रेशियस ब्लड। आप सोचो, अगर आपको कभी भी कोई कहे ना यू आर गुड फॉर नथिंग, तो किसी काम के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है। अगर आपको अपनी वैल्यूज जाननी है ना, जस्ट देखो तुम्हें बचाने के लिए कौन मरा है। यस ब्रदर, कोई भी आपको कुछ गलत आपके लिए बोले, याद रखिएगा वो आप नहीं हो। आलोचना जीवन का एक हिस्सा है, वो हर एक को सहनी पड़ेगी। अगर आलोचना नहीं सहनी है, उसका भी एक रास्ता है, चुपचाप से घर पे बैठ जाओ, कुछ मत करो। जो कुछ नहीं करता उसके लिए कुछ बोला भी नहीं जाता। अगर आप कुछ करोगे, आपके काम में से नुक्स निकाले जाएंगे। बोलो अपने बाजू वाले को, आलोचना तो होगी। हाँ, अभी ये मत बोलना नेगेटिव बोलता है सूरज भाई, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। नेगेटिव और प्रैक्टिकल बोलने में थोड़ा फर्क होता है। अगर एक बहन को प्रेग्नेंट है और आपको पता है कि प्रेगनेंसी के समय पेन होता है, और मैं उसको बोलता हूं दीदी प्रभु आपके साथ है, क्यों डरा रहा है? अरे डरा क्या रहा हूं, हर एक को पेन होता है ना। प्लीज ये हर जगह पे नेगेटिव बोल के सही चीजों को भी कैंसिल मत किया करो। ये वो दिन थे, बाइबल बताती है, जब खुदा ने उसके उसके दास दाऊद का अभिषेक किया। अच्छा आप मुझे बताएं, जब शाऊल
आज्ञा उल्लंघन के कारण दूर हो गया और खुदा उसे लेकर आया जगह पे दाऊद को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दाऊद में ऐसी क्या बात थी? क्या बात थी? जानते हो दाऊद क्यों उठा? क्यों परमेश्वर की दृष्टि मरियम पे गई? इतनी सारी औरतें थी उन दिनों में, इतनी सारी बहनें थी, क्यों परमेश्वर ने जिब्राइल को कहा मरियम के पास जा? क्यों परमेश्वर यहां पर दाऊद को चुनता है जबकि उसके 6 भाई और भी थे? जानते हो परमेश्वर जब किसी को उद्धार के लिए बुलाता है तो सिर्फ यही देखता है कि ये पापी है, ये नजात पाए, लेकिन जब परमेश्वर किसी को सेवा के लिए बुलाता है तो उसमें एक चीज वो देखता है कि उसका इनसाइड एटीट्यूड कैसा है, जिसे हम हार्ट भी कहते हैं। कहिए इनसाइड एटीट्यूड। अभी देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए सब, आपको किसी ने कुछ कहा और वहां पर 3-4 लोग खड़े थे और आपको पता है मैं भी बोलूंगा तो मैं भी इसकी तरह बदनाम हो जाऊंगा कि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो आपने सह लिया, लेकिन अंदर से आप, तेरी मां मरे, तेरा बाप मरे, तेरा पूरा खानदान मरे, लेकिन बाहर से आप ऐसे खड़े हैं कि आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। करते हैं ना हम लोग, है ना? कोई है यहां पर मेरे जैसा थोड़ा बहुत? हाँ, मेरे को लगा सर मैं अपने लिए ही बात कर रहा हूं। कभी कभी आप देखो हम अंदर से गालियां देते हैं लोगों को, लेकिन बाहर हम ऐसे दिखाते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप सोचो, आप एक शादी में गए, सबको खाना मिला, आपको नहीं मिला, और आपको बोलते हैं, आपको बोलते खाना खाया, इट्स ओके, मैं घर से खा के आया था, अंदर से दिया क्या? लिसन टू मी, सो मेनी टाइम्स मैं आपको बताता हूं हार्ट एटीट्यूड क्या होता है। आप जानते हो आप क्यों कुछ नहीं कहते हो? बिकॉज यू लव योर रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप सच में अंदर से भी ऐसे बनो, इट्स ओके ना यार, नहीं खाया तो क्या है, सर खाना खाना ही थोड़ी मैरिज पे होता है, मैं आया, मैंने उनको दिखाया मैं आपके साथ हूं। आपको पता है जब एक व्यक्ति का इनसाइड एटीट्यूड ऐसा होता है ना कि खुदा देखता है ये वो लाइफ में भी फेथफुल है जिस लाइफ को कोई देख भी नहीं पाता, पर वो जानता है मैं देख रहा हूं, इसीलिए वो ऐसा बना रहता है, ऐसों को कॉल आता है। मुझे एक व्यक्ति मिल गया, ईशे का पुत्र दाऊद, जो मेरे मन के अनुसार है। यस, एक बार मैं एक मैरिज में गया था, आप बिलीव कीजिए, बेचारे गरीब लोग थे पर मैं थोड़ा सोच में अमीर था। मैं वहां पर गया, सादी सी रोटी थी, दाल चावल पनीर, मेरे को लगा था चिकन मटन ब्रेन झींगा सब रहेगा, और जब मैं वहां पर गया और मैंने दाल चावल खाए ऐसे फेंक दिए मैंने, और जब लोग मुझसे पूछ रहे, मेरे घर पे लोगों ने पूछा हाँ खाना कैसा था, मैंने कहा जबरदस्त, तुमको भी चलना चाहिए था। मुझे खुदा कह रहा था ये सही एटीट्यूड है तेरा, तेरे को पता भी है उनकी हालत क्या है, बहुत इजी है शो करना। कभी कभी चीजों के पीछे चीजें समझनी चाहिए। आप जानते हो क्यों दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया? Why God choose David? उसका हार्ट का एटीट्यूड देखकर, कि उसका दिल कैसा है। सोचो आप एक मैरिज में गए, आपको खाना नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप उनको ब्लेस करके गए, आपने कोई एटीट्यूड उनको शो नहीं किया। आप सोचो आप उस जीवन में भी विश्वास हो गया हो जो जीवन कोई देख ही नहीं सकता, ओनली सिर्फ खुदा देख सकता है। इसीलिए जब दाऊद का चुनाव किया गया तब परमेश्वर शमूएल को कहता है देख मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, मैं परमेश्वर मन को जांचता हूं। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। आपने देखा हमारे प्रभु ने क्या सिखाया, तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, इट मींस किसी भी वुमेन को पाप मत करना, बट उसने क्या कहा, पर मैं तुमसे कहता हूं अपने मन में भी मत करना, इट मींस वो जीवन जहां तुझे कोई नहीं देख सकता वहां भी विश्वास योग्य रहना। बाहर
ऑटोमेटिकली लोग फेथफुल रहते हैं क्योंकि उससे ऑनर जुड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है। लेकिन कौन है यहां पर जो ये कह सकता है, ब्रदर मैं वहां भी फेथफुल हूं जहां पर कोई व्यक्ति मुझे देखता नहीं है, इन माय हार्ट। आप जानते हो डेविल भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपके मन को जानता है आप क्या सोच रहे हो। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, सोने को तपाने के लिए आग और चांदी को तपाने के लिए कुटली है, परंतु मनों को जांचने के लिए यहोवा है। There's a word in Proverbs. मैं आपको कहना चाहता हूं बहन भाई, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना जो वहां पर भी विश्वास योग्य हैं जहां पर कोई इंसान आपको नहीं देखता, मैं आपको सच कहता हूं प्रभु इस बात का गवाह है, मैं उसकी उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं वह आपको सेवकाई के लिए बुलाएगा। He will choose you. आमेन। क्या लोग हैं ना ये, अंदर बाहर एक जैसे, आज मिलते ही नहीं है। कोई जानता था कि किस करने के पीछे भी 30 सिक्के छुपे हुए हैं है ना, कोई जानता था ये बात कि जब यहूदा चूम रहा था तो एक्चुअली उसका दाम लिया गया है। वो चूम नहीं रहा था, उसके पैसे लिए थे उसने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये कारण था परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, वह मेरे मन के अनुसार है, प्रभु को देखो। सोचो अगर वो आपके प्रति कड़वा हो जाए तो, भाई अगर वो तेरे प्रति कड़वा हो जाए तो, अगर वो तुझ पे गिव अप कर दे तो, कि सुधरता नहीं है अभी छोड़ दे, क्या हालत होगी आपकी। सोचो अगर वो कभी आपके प्रति कड़वा हो जाए तो, बिटर हो जाए तो। कभी देखा है आपने कितना कुछ वो ऊपर से देखता है हमें, पर उसके बाद भी वो कितना साफ है अपने आप में। इसीलिए यूहन्ना अपने सुसमाचारों में लिखता था, पहला यूहन्ना में, परमेश्वर ज्योति है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं। There's no darkness in him. Amen. क्या वर्ड है ना उसके चरित्र के बारे में, उसमें कोई अंधकार नहीं है। चलिए अपने आप, अपने बाजू वाले को एक ब्यूटीफुल न्यूज दीजिए, उसे कहिए तू कैसा भी है वो तुझसे प्यार करता है। ओहो, कहिए तेरी अनपरफेक्शन के साथ तुझसे प्यार करता है। उसको बोलो सुबह सुबह झगड़ा किया है ना तूने, उसके बाद भी प्यार करता है। बोलो उसको, उसका प्यार तेरी भक्ति पर निर्भर ही नहीं है। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए मेरा परमेश्वर मुझ पर कभी गिव अप नहीं करेगा। अरे मैं तो जंप मारूं जंप, मेरा परमेश्वर क्या परमेश्वर है, कभी गिव अप नहीं करता, डंडे मारता है, कान पकड़ता है, उठक बैठक करवाता है, लेकिन बोलता है छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, है ना। कितना प्यारा है ना वो, हमसे हमें पाने के लिए हमसे लड़ता है। तू नहीं देगा अपने आप को मेरे को, नहीं देगा, नहीं देगा, दे रहा है ना, इतना जोर से मारते हैं क्या। वाह, यू नो, अगर एक आदमी आपके जिंदगी से चला जाए उसके बाद भी आप खुश हो, मतलब एक्चुअली आपके लिए कुछ है ही नहीं वो, बट क्यों आप थोड़ा उससे दूर जाते हो वो चालू हो जाता है, क्योंकि आपका दूर जाना उसको फर्क पड़ता है। जीसस क्रिएशन के लिए नहीं मरा है, जीसस आपके लिए मरा है। ट्रस्ट मी, अगर कोई आपकी जिंदगी से चला जाए उसके बाद भी आप ओके हो, इट मींस आपकी जिंदगी में वो है ही नहीं, पहले भी नहीं था शायद,
because you are okay. But God is not okay. उसको कुछ भी हो जाए वो तुमको पाके रहेगा. और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके आप अपने जीवन में एक जगह पे पहुंचोगे जब आप उससे कहोगे मेरे तरह इस तरह व्यवहार करने के लिए धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मुझसे इस तरह व्यवहार करने के लिए. धन्यवाद मुझे डांटने के लिए, धन्यवाद मुझे ताड़ना देने के लिए, धन्यवाद मुझे मारने के लिए, धन्यवाद मेरे दरवाजे बंद करने के लिए. आज मैं तेरे सामने हूं, है ना. आपकी सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप रिच बनो, आपकी सक्सेस है आप उसके साथ हो, वो आपकी सक्सेस है. आमीन. अब दाऊद का अभिषेक हुआ, लेकिन दाऊद हमारी तरह नहीं था. अगर मैं आज किसके ऊपर हाथ रख के कह दूं ब्रदर प्रभु आपका अभिषेक कर रहा है, कल इधर मीटिंग के बीच में आके बोलेगा हटो मेरा अभिषेक हुआ है मैं प्रचार करूंगा. दाऊद ऐसा नहीं था, कहिए दाऊद ऐसा नहीं था. हाँ, दाऊद उसके पास भी काम ही कर रहा था. कुछ लोग होता है ना, कुछ मिलता है तो थोड़े अलग से हो जाते, वो ऐसा नहीं था. दाऊद के डैडी ने अगले दिन उसे कहा जा भाइयों को डिब्बे देकर आ. मैं होता ना तो मैं उसको बोलता क्या काय बोलतो तुम्ही. आई एम लर्निंग मराठी. क्या बोल रहे हो आप, जाकर देकर आ. मैं आपको पता है मैं कौन हूं. डू यू नो हु एम आई. तो कौन है, कल शैम्यूल आया था मेरे से मिलने आया था मेरे से, तुम लोगों से तो पूछा भी नहीं उसने. अरे हाँ बिल्कुल, घमंड ऐसा है पता चलेगा वो आया है और तुमको भी नहीं पता चलेगा. प्राइड से बचो भाई, दूसरों को कम, अपने आप को सुपीरियर सोच से डरो. आपसे बेहतर व्यक्ति आपके पास में बैठा हुआ है, ये से समझाओ मत हाँ क्या करें अभी वचन है तो करना ही पड़ेगा, है थोड़ी ये बाकी. नो, वो सच में सुपीरियर है. प्रॉब्लम ये है तुम्हारे पास जो आंखें हैं वो काली हैं. यस सर. अगर आपके अंदर आप अगर आप एक आदमी के अंदर एक भी अच्छी बात नहीं ढूंढ पाते हो, अंधकार है आप में, डार्क हो आप इनसाइड, डार्क रियली डार्क, अंधकार ने आपके दिल को जकड़ा हुआ है. अगर आपको एक व्यक्ति में एक खूबी नहीं दिखती, मैं डरता हूं कभी कभी प्रभु मुझ में कभी ये मत आने देना, मुझे एक सही ऑब्जर्वेशन देना कि मैं जब लोगों से मिलूं तो भले ही वो नेगेटिव हैं लेकिन मैं अच्छी चीजें भी ढूंढ लूं. आप जानते हो कलाम क्या कहता है, द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है जब दाऊद का अभिषेक हुआ अगले दिन उसके डैडी ने उसको बोला तू जा और अपने भाइयों को खाना देकर जा देकर आ. और आपको पता है दाऊद के तीन भाई आर्मी में थे, और जैसे ही दाऊद वहां पर गया खाना देने के लिए, दाऊद का सामना एक अजीब सिचुएशन से हुआ. दाऊद ने क्या देखा कि पहाड़ के उस तरफ एक व्यक्ति इज़राइल के लिए और खुदा के लिए बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन कोई भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार नहीं था. सब डरे हुए थे, सब डरे हुए थे. अब दाऊद अभिषिक्त था, ही वॉज अ अनॉइंटेड पर्सन, और वो सिर्फ अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति नहीं था, वो प्रभु के साथ संगति भी करता था. अब जब उसे ये बात पता चलती है कि इसका नाम गुलायत है और ये बहुत कुछ कह रहा है, तब उसने अपने भाइयों से पूछा ये कौन है, और वहां पर लोगों से पूछा. अब देखो उसके भाइयों ने क्या कहा. ब्रदर 29 लगाइए, मैं आपको वो वर्ड दिखाता हूं जो उसके भाइयों ने कहा 29 में, सॉरी 28 ब्रदर 28. जब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर रहा था तब उस
का बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? सी कितना वाइस व्यक्ति है दाऊद, वो जानता था अगर मैं निकला हूं तो मैं अपना काम किसी और को सौंप दूं। दैट्स विजडम। आगे, तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई तुझे मुझे मालूम है, तू लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। ओके, 29 लगाइए। अब उसके भाई लोग उससे इस तरह बात करते हैं, दाऊद ने कहा मैंने क्या किया? वह तो निरी बात थी, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हां, 30, तब उसने उनके पास से मुंह फेर के, कहिए मुंह फेर के, हां मुंह फेर के, अरे बोलो मुंह फेर के, हां ऐसे करो मुंह फेर के, हां आराम से। अब दाऊद ने क्या किया, मुंह फेर दिया। आप सोचो, ये एलियाब है, 2 मिनट के लिए मैं दाऊद हूं, हां मैं दाऊद हूं, 2 मिनट के लिए एलियाब है और मैं आया हूं, अरे इतने लोग क्यों बैठे हैं इधर, तेरे को क्या करने का है, चल ना अपना काम करना, माइक दिया ना, चल बोल चल। और मैं ये सुन रहा था और मैंने उसको बोला, यस बिल्कुल ऐसा ही सीन है वहां पर। अब दाऊद ने उनसे मुंह फेर दिया, कहिए मुंह फेर दिया। मैं आपको सच कहता हूं, कुछ चीजों से मुंह फेर दो, आप बड़े आशीर्वादित होंगे, आप आशीषित होंगे, आप बड़े बड़े युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे, सिर्फ ये आदत बना लो। अगर मैं आपको सच कहता हूं, अगर ये और बोलता, दिखता नहीं है क्या, ये वो है, और मैं बार बार उसको सुनता रहता, अच्छा एक मिनट रुक, रात आग लगाने वाले, तेरे को बोला हार लोग होते ना खड़े हो जाते, क्या रे तेरा पिताजी खिलाता है क्या, ऐसा कैसा बोला। दाऊद ने मुंह फेर दिया, दाऊद जानता था ये वो जगह नहीं है जहां पर मुझे खड़े रहना है, ये जगह मुझे कमजोर कर देगी, ये जगह मुझे डाइवर्ट कर देगी, ये जगह मुझे कड़वा कर देगी। उसने मुंह फेर दिया। गलत बातों को सुनने के हम बड़े अच्छे लिसनर्स हैं, निंदाओं को, बुराइयों को, चुगलियों को, हमारा कान इतना बड़ा हो जाता है। हां कोई वचन कहे तो मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देंगे, हाँ सही है तो करना, लेकिन कोई आपको कहे अरे तेरे को पता है कल रात को क्या हुआ, अरे कल देखा मैंने उसको, किसको, कितना अटेंशन देते हैं हम बुरी चीजों को। इसीलिए यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, हर चीज मत सुनो। ये तो पहला बंदा है। अब दाऊद ने क्या किया, मुंह फेर दिया। दाऊद आगे बढ़ा और दाऊद राजा के पास गया, बोलता है राजा आप डरो मत, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राजा का मन भी कच्चा हो गया था। माय हिंदी मार्जिन सेड उसका मन कच्चा हो गया था। आप जानते हो मन कच्चा होने का मतलब क्या है? मन कच्चा होने का मतलब है आपको कुछ करना है लेकिन आप करने से पहले ही इस तरह सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा। हारा हुआ मन, लड़ो, हारो,
वो चलता है, लड़ते भी नहीं हो, पहले ही हार गए, मुझसे नहीं होगा। मेरे भाई, जो सामर्थ वो हमें देता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन हैंडल एवरीथिंग। मैं सुबह सुबह है ना ऐसे प्रोग्राम बनाता हूं, मैं आज सब काम करूंगा। ये कभी कभी मैं लिखता हूं, मैं सोचता हूं मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने दिमाग की नहीं सुन के मैं बोलता हूं प्रभु मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं, रात तक हो जाता है, मैं अपना काम पूरी तरह से बंद करके जाता हूं। फिर आप समझ पा रहे हैं, कहिए मेरे पीछे, मैं जितना सोचता हूं मैं उससे 100 गुना अधिक ताकतवर हूं। मन कच्चा हो गया, बोलता है मैं नहीं जाऊंगा लड़ने के लिए, मैं थोड़ी जीत पाऊंगा, तू गया सही था। नहीं तो हार कैसे गया, मन में आप गए थे लड़ने के लिए, नहीं तो हार गए। भाइयों बहनों, एफर्ट डालना सीखो। हमारे चर्च में ऐसे लोग आते हैं जो इन दिनों में पूरी रात दुआ में बैठ रहे हैं। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था कि मैंने एक दिन पूरी रात दुआ की थी प्रभु के साथ, किसी ने कैच की ये बात यहां पर। मुझे कुछ समय के बाद पता चला, उन्होंने मुझे कहा ब्रदर मजा आ गया। मैंने कहा किस काम में, बोला हम भी रात को बैठे थे दुआ में, लेकिन अगर मैं आपको कहूं हमसे ना हो, हम वही 10 मिनट वाले किराने के लिस्ट लेके वाले। क्यों? मन ही हारा हुआ है, मन ही हारा हुआ है, कच्चा है मन ये। अगर आप जॉब पे गए, आपको जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है ना, आप फेल हुए ना, फेल होना एक इंसिडेंट है, चरित्र थोड़ी है। हो गया, अब क्या करूंगा। कुछ चीजें आपका चरित्र नहीं है, चरित्र अलग होता है। बहुत लोग हैं कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि सोच ही ऐसी है होगा ही नहीं मुझसे। क्यों नहीं होगा, तुमने करके देखा? जब होगा ही नहीं तो करूं क्यों, ये मेंटालिटी है। मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी पनवेल में, कलमबोली के पास। एक बार बारिश बंद थी, बारिश पड़ रही थी, गाड़ी रात को 1:30 बजे की बात है, 1:30, मैं खांडा कॉलोनी से प्रचार करके घर जा रहा था, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। आपने देखा है रास्ते पे कभी कभी मैकेनिक के नंबर्स लिखे रहते हैं, वो भी नहीं मिल रहे थे कि किसको कॉल करके बुलाऊं, फोन भी नहीं था, 1 रुपए के कॉइन बॉक्स को ढूंढ रहा था कि कोई मिले। फिर मैंने सोचा गाड़ी में रख देता हूं इधर ही, कल आके देख लूंगा। तो मैं सोच रहा था मैं इधर रख के जाऊं कैसे आके, कोई बस नहीं आ रही थी 1:30 बजे रात को, पूरा सुनसान। एक बार तो ऐसा हुआ 10-12 मिनट तक कोई गया ही नहीं वहां से। मैंने किसी से बात में पूछा ये प्लेस का नाम क्या है, बोला ये कलमबोली है। मैंने कहा कौन सी बोली, बोला कलमबोली है। अंदर में दुआ की, प्रभु का काम करने के लिए गया था, अंदर में दुआ की, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरी खटारा गाड़ी और खटारा हो जाएगी यहां पर अगर मैंने छोड़ दी तो, कल आऊंगा कैसे, जाऊंगा कैसे, फोन नहीं है, कैसे मैं करूंगा। जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा, खींच धकेल इसको, गाड़ी का टायर पंक्चर है, गाड़ी बंद पड़ गई है, घसीट घसीट के ओ कमर टूट गया। आप विश्वास करो, जैसे जीसस ने पेड़ को शराब दिया ना, मैं अपनी गाड़ी को गुस्से में इतना शराब दिया, तू मेरे लिए आशीष का कारण है प्रभु के, तू मेरे को करीब ले गई है, वगैरह वगैरह। मैं इतना कोस रहा था कि कितने लोग मुझे बोल रहे थे गाड़ी चेंज कर, आज मुझे समझ में आ रहा है मैंने क्यों चेंज की। एक बार तो ऐसा लगा कि मैं उसको फेंक के उसके ऊपर आग लगा दूं, थोड़ी
थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा। ओ पौने दो ढाई बजे थे रात के, थोड़ा आगे बढ़ा, एक गैरेज खोली थी। थोड़ा आगे बढ़ा, वो सोया हुआ था। मैंने उनको बोला, अंकल, ओ अंकल, हाँ अंकल, गाड़ी खराब है। मैं मैकेनिक नहीं है। क्या वो सुला के गया है मेरे को? कहा नंबर वगैरह? हाँ हाँ, रुको 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 रुको। उन्होंने कॉल किया, वो फोन ही नहीं उठा रहा था। मैंने कहा, अंकल अभी क्या करूं? बोला, बैठो, सुबह आएगा। मैंने कहा, अंकल करो तो फोन तो करो उसको। उन्होंने कहा, ठीक है। आखिर वो आया, आके बोला, इसमें कोई पुर्जा कम है, इसका एक खराब हो गया है, वो नया चाहिए, अभी कहां से लाऊं। मैंने कहा, अंकल देखो, कुछ देखो, बेचारे ने ड्रावर इधर उधर किया, उसको एक चीज मिल गई, उसे डाला, गाड़ी चालू हो गया, मैंने उसको पैसे दिए, मैं घर आया। और आप जानते हैं, मैं सोच रहा था मैं गाड़ी छोड़ने वाला था, पर मैं आ गया। ब्रदर, हारना मसी को, तुम्हारा खुदा एक विजयी परमेश्वर है। वो वेट, वो क्रूस पर जय पाया हुआ है, तुम उसके साथ हो। बहुत चीजें आपके घर में शुरू ही नहीं हो पाई हैं क्योंकि तुमने उनकी शुरुआत नहीं की है। बहुत सारी चीजें खुदा तुम्हें दे ही नहीं पाया है क्योंकि तुमने हाथ ही नहीं पसारे। तुम्हें लगता है, नो, मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा। आप सोचो, इज़राइल का राजा था वो, उसकी सोच कैसी थी? पर दाऊद जब उसके सामने खड़ा होता है, वो कहता है, ब्रदर आप डरिए मत, मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए। उससे भी डिस्करेज कर रहा था, बोलता है, नहीं, तू बच्चा है अभी, वो योद्धा है। दाऊद कहता है, नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो मुझे उससे भी बचाएगा। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। कितने लोग हैं मुझे बताइए अपनी गवाही को इतना याद रखते हैं? बोलिए, कितना, कितनी अमेजिंग थिंग्स उसने याद करके रखी थी। वो कहता है, नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं जानता हूं शेर और फाड़ने की ताकत भी मुझ में नहीं रहती है, पर जब वो मुझसे लड़ने आते हैं, खुदा मुझे अभिषेक देता है, और वो सेम अभिषेक आज उस समय भी आएगा जब वो मेरे सामने आएगा। आप मुझे बताइए, आप शेर को फाड़ सकते? लाऊं मैं शेर को इधर? चलो, मैं अगले हफ्ते शेर लेकर आएगा, इधर छोड़ दूंगा, फाड़ के दिखाओ। बालू भी लेकर आएंगे, तू बालू लेके आना, मैं शेर लेके आऊंगा, ठीक है? हम लोग इधर छोड़ देंगे। कितने लोग अंदर रहेंगे इधर? बोलिए, थैंक यू, मस्त है। अगले हफ्ते हम इधर शेर और बालू दोनों लेकर आएंगे, और कुछ लोगों को इधर बुलाएंगे भी, और उन्हें छोड़कर हम तीनों दरवाजे बंद कर देंगे। कर सकते हो? नहीं कर पाओ। आप जानते हैं, जब दाऊद उससे लड़ने के लिए गया, सी, एक अभिषेक पाए हुए व्यक्ति का व्यू कैसे होता है। जब दाऊद वहां पर जाता है, उसके हाथ में न तलवार है, न बाला है, न बर्छी है, न डाल है, कुछ नहीं है। उसके हाथ में मात्र कुछ पत्थर हैं। कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं, जब दाऊद दूर रहता था तो गुलेर यूज करता था बचाव के लिए। परमेश्वर आपके नेचुरल टैलेंट्स को यूज करता है। पर कभी ये मत सोचना, याद रखिए, अगर आपको पता है ना आपका टैलेंट क्या है, खुदा से कहिए, खुदा ये मुझे आपने दिया है, इसका कलीसिया में उपयोग करिए। आज लोग जब थोड़े खूबसूरत होते हैं,
हॉलीवुड ट्राई करते हैं, बॉलीवुड ट्राई करते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं. सी, वो अपना टैलेंट डेविल को दे रहे हैं, हम अपना टैलेंट अपने खुदा को क्यों न दें. ब्रदर, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको खूबियों के साथ बनाया है, परमेश्वर ने आपको नवाजा है. अपने टैलेंट को खुदा के लिए यूज करो, अपने टैलेंट को परमेश्वर को दो, देखो कि आप क्या कर सकते हो. प्रार्थना करो, प्रभु मैं टाइपिंग अच्छी कर सकता हूं, प्रभु मैं अच्छी फोटोग्राफी कर सकता हूं, प्रभु मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं. आप अगर चाहें तो मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं. और याद रखिए, रोज गुलेर चलाने वाला क्या ये बात जानता था कि एक दिन यही गुलेर मुझे कहां ले जाएगी. खुदा इसका इस्तेमाल करेगा. यूज योर टैलेंट फॉर जीसस. अपना टैलेंट अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करो, शैतान के लिए नहीं. परमेश्वर दाऊद को कहता है, बस उसे 5 चिकने पत्थर लिए, चला गया गोलियत के सामने. गोलियत ने उसे कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? था तो वही. क्या मैं कुत्ता हूं जो पत्थर लेके मारने के लिए आया है? इतने छोटे छोटे पत्थर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको पता कैसे चला कि इसके हाथ में पत्थर हैं. मुझे लगता है दाऊद ऐसे गया होगा. दाऊद तो क्या दिखाना चाहता है, कुछ नहीं होता ना हाथ में तो भी तू मरेगा, कोई है मेरे साथ, उसको लेकर आया हूं. अरे ये तो बहुत छोटी चीज है, इससे भी कुछ छोटा होता ना तो भी तू मरेगा. आज तूने मुझे नहीं, तूने उसे ललकारा है जो इज़राइल का श्रोता है. वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है. यह वही है जो शब्द निकाले तो हिरणियों का गर्भपात हो जाता है. पत्थर, बाइबल बताती है, चट्टानें तिड़क जाती हैं जब वो बात करता है. मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि तू कौन है, मैं उसे जानता हूं जो मेरे साथ है. और जब वो उसे लड़ने के लिए गया, उसने एक पत्थर लिया और उसको घुमाया और उसके ऊपर फेंका. बाइबल बताती है गोलियत नीचे गिरा, उसने उसकी गर्दन फाड़ दी, तोड़ दी, फाड़ दी, जो भी किया. अब मेरी बात सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को समझो. अब जो मैं कह रहा हूं, कोई दाऊद को नहीं जानता था, एक व्यक्ति भी दाऊद को नहीं जानता था. दाऊद इतना ऊंचा नहीं था. दाऊद सबके सामने आया गोलियत को मारने के बाद. एक अभिषिक्त जन यह बात जानता है, परीक्षा मारने नहीं उठाने आती है. एक अनॉइंटेड व्यक्ति का ये व्यू होता है, जब वो देखता है ना चैलेंज आया है, टेस्ट आई है, ट्रायल्स आए हैं, वो जानता है ये ट्रायल डुबाने नहीं, इससे लड़ने के थ्रू खुदा मुझे और ऊंचा उठाएगा. आप याद रखिए, वी पीपल, हम जो लोग हैं, कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में परीक्षा इसलिए नहीं आने देगा कि आपको वो डुबो दे. परीक्षा इसलिए आएगी ताकि वो आपको और उठाए. कोई स्कूल खुला है क्या बॉम्बे में जो विदाउट एग्जाम पास करता है? मुझे बताओ, मैं पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा. हाँ, कोई है? सेम सब्जेक्ट्स हैं, 6 में भी 7 में भी 8 में भी, उसमें भी मैक्स था, अभी भी मैक्स है, आगे भी मैक्स रहेगा, लेकिन हर मैक्स डिफिकल्ट है. जो 6 में मैक्स थी वो इजी थी, 7 में उससे हार्ड है 8 में उससे हार्ड है. मुझे बताइए, हम लोग जो लोग यहां पर बैठे हैं, कोई ऐसा है इधर जो विदाउट एग्जाम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है? परमेश्वर क्यों आपकी जिंदगी में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आने देता है, अलाउ करता है, आपको डुबोने नहीं, आपको दिखाने कि वो कौन है. मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह, तूफान आया,
सोए हुए थे, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा सी, वो साइलेंट है इसका मतलब ये नहीं है वो एब्सेंट है। वाओ लॉर्ड, ये मत समझना कि वो चुप है तो वो वहां पर नहीं है। वो टीच करता है। कुछ लोग ये पढ़ते हैं ना सिर्फ बस एक नॉलेज के तौर पे पढ़ते हैं, पर कितने लोग ये बात जानते हैं वो चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर नहीं है, वो सोया था लेकिन उधर ही था। क्यों उसने डांटा उन्हें? अच्छा काम किया ना, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, उठ जा प्रभु, उठ जा प्रभु, उठ जा प्रभु। प्रभु उठा, तूफान को बोला शांत हो जा रे बाबा, थम जा। और उसके बाद थमने के बाद उनको कहता है हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हें कब तक सहूंगा? खुदा उन्होंने बुरा क्या किया? क्यों डांट रहे तू उन्हें? मती 10 अध्याय पढ़ सूरज, मैंने उनको अधिकार दिए थे, अथॉरिटीज दी थी, और यीशु ने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिए। जो मैं करने वाला था, मैं चाहता था वो ये करे। परीक्षा डुबोने नहीं आई थी, इसीलिए आई थी ताकि एक्सरसाइज करो कि तुम्हारे अंदर क्या है। कोई परीक्षा आपको डुबोने के लिए नहीं भेजी गई है, इसीलिए बाइबल में कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है कि प्रार्थना करो। दीदी अगर हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ट्रायल्स चलते हो, आपको मैं यीशु के नाम से कहता हूं खड़े रहो विश्वास से, ये परीक्षा आपको डुबोएगी नहीं, खुदा के और करीब ले जाएगी। यस, दाऊद जानता था ये दाऊद के लिए ये गोलायत नहीं था, ये अपॉर्चुनिटी थी। कब पास होंगे आप? मैं एक पास्टर हूं, हर दिन नए नए चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, डरता नहीं हूं, मैं जानता हूं मेरा स्तर और बढ़ेगा। न्यू लेवल्स न्यू डेवल्स। कोई आपको कहे ना न्यू लेवल्स आए हैं, उसको बोलो यस अब न्यू डेवल्स भी आएंगे। नए लेवल्स नए डेवल्स आते हैं कई बार। आप सोचो अगर शैतान आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इट मींस कुछ तो आप भी कर रहे हो। पर सोचो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो कर रहे हो, इट मींस आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आपकी जिंदगी उसे इरिटेट नहीं करती, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। अगर आपकी जिंदगी उसे परेशान नहीं करती, आप एक मसीह नहीं हो। फिर से कहूं, अगर आपकी जिंदगी शैतान को परेशान नहीं करती तो आप एक मसीह नहीं हो। You are a normal Christian, average. गीत गाने वाले, वचन सुनने वाले। दाऊद को देखिए, वो जीत के आया, किसी की उसने नहीं सुनी। कुछ लोग कहते हैं मैं बढ़ना चाहता हूं, लोग मुझे बढ़ने नहीं देते। ब्रदर बीज के ऊपर गंदा पानी डाल के देखो तो भी फ्रूटफुल होता है। सीड को हमेशा साफ पानी न दो, उसको गंदा पानी भी डाल के देखो वो फलवंत होता है। वो ध्यान नहीं देता पानी कहां सा है, कहां से आ रहा है, बढ़ना उसका स्वभाव है। कभी ट्राई करो, सीड्स लो, मट्टी में डालो, गंदा पानी दो उसको, वो बढ़ेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता पानी कौन सा है, उसका नेचर है बढ़ना। हमेशा एक्सक्यूजेस के साथ वन माइंड मत हो जाओ, मैं बढ़ना चाहता हूं घर वाले बढ़ने नहीं देते, मैं बढ़ना चाहता हूं चर्च बढ़ने नहीं देती, मैं बढ़ना चाहता हूं ये बढ़ने नहीं देते। तू बढ़ सकता है अगर तू दाऊद की तरह मुंह फेरना सीख ले। यस सर,
दाऊद को देखो, वो स्टक नहीं हुआ। सबसे अमेजिंग बात ये नहीं है कि दाऊद ने गोलायत को मारा, अमेजिंग बात ये थी दाऊद जानता था मुझे कहां ध्यान नहीं देना है। हमारे प्रभु को देखिए, एक बेटी को ठीक करने जा रहा था और लोग आके कहते हैं वो मर गई है। लिखा है उसने अनसुना किया और याइर को भी कहा मत डर, केवल विश्वास रख। याइर भी देखो कितना अमेजिंग पर्सन है, उसे विश्वास किया। अगर नहीं किया होता तो बोलता नहीं प्रभु अभी क्या, अभी तो गई ना, अभी क्या होगा। ओ वो जानता था मृत्यु और पुनरुत्थान मेरे साथ चल रहा है, द लाइफ एंड द रेजरेक्शन इज विथ मी। आप कैसे हैं? स्टक हो जाते उधर? मैं अभी भी कहता हूं गुलायत को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात यह थी कि यह बंदा उधर रुका नहीं। शब्द आकार देते हैं, शब्द शेप देते हैं, शब्द जिंदगी पैदा करते हैं। मैं एक दिन YouTube चला रहा था, चलते 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 एक वीडियो मुझे YouTube ने रिकमेंड किया, देख। उस वीडियो का नाम था रियल गोस्ट, असली भूत, और मैं अंदर गया। मैंने क्लिक किया, एक लड़का गाड़ी चला रहा था और उसकी कैमरा ऑन थी मोबाइल की। चलाते 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 एक टाइम ऐसा आ गया, जंगल में कुछ सफेद कपड़े पहन के कोई खड़ा था और वो कैमरा में कैच हो गया। तो उस सीन को है ना आहिस्ते आहिस्ते यहां वहां स्लो कर करके दिखा रहे थे, देखो ये गोस्ट है। और मैं भी स्लो कर करके देख रहा था कि ये भूत कैसा है। एक बार तो मैंने जूम करके करके देखा कि कौन है, देखूं हमारे उल्लासनगर की कोई औरत तो नहीं है। मैं रात को सोया घर पे, अपने पलंग पे गया, मैंने जैसे ही लाइट बंद की वो सीन याद आ रहा था। मेरे सबकॉन्शियस में ऐसा आ रहा था वो इधर ही खड़ी है। और पता है क्या हुआ, थोड़ी खिड़की खोली हुई थी, हवा का झोंका आया, थोड़ा पर्दा वू करके आया, मेरे को लगा अभी अंदर आई है। आप विश्वास कीजिए, मैं सारी रात लाइट जला के सोया। कैसे आया मेरे अंदर? क्योंकि मैंने देखा, मैंने सुना। कितने लोग पहले WWE देखते थे? अरे ओ तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम लोग भी देखते थे? उसमें लिखा रहता है बाद में डोंट ट्राई एट होम। आपने देखा हमने घर वालों पे ही ट्राई किया। दीदी को बोलते थे उल्टा सो जा, पलंग से जम देते थे, ये कर कैसे, ये कोनी, ये वो मारते थे। एक बार मैंने अपनी दीदी को अंडरटेकर की तरह ऐसे उठाने की कोशिश की, मेरी बहन ने मेरे को बोला तू भी मरे तेरा अंडरटेकर भी मरे। तूने भी किया था? कभी कभी आप देखो, हम लोग मूवी देख के आते थे, पिक्चर देख के आते थे, आपने देखा जैसे एक्टर अंदर करता था बाहर निकल के हम भी। एक बार मैंने एक रेसलिंग देखा था, उसमें अंडरटेकर ने एक आदमी को ऐसे उठा के नीचे फेंका, तो मेरा दीदी खाना देने के लिए आया, मैंने उसको बोला वेट, मैंने उसको उठाया, उसने भी मेरे को ऐसा चब्बाट मार दिया जोर से, अरे हटे इधर से WWE की आत्मा। कुछ चीजें जुड़ जाती है, पता तक नहीं चलता। उधर लिखा रहता था डोंट ट्राई एट होम, और उनको पता नहीं था हम आदम की सच्ची संतान हैं, हमको जो मना करोगे हम वही करेंगे। इसीलिए ही नो दिस प्रिंसिपल, उसने अपना मुंह फेर दिया। वो जानता था, वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानता था। आप जानते हो भजन संहिता 23 क्या लिखा है?
द लॉर्ड इज माय, बताइए दाऊद कौन था? एक शेफर्ड कहता है द लॉर्ड इज माय शेफर्ड. जानते हो दुनिया उसे शेफर्ड की तरह देखती थी, पर वो खुदा के लिए भेड़ था. He was a sheep. इसीलिए वो कहता है मैं वो शीप हूं जिसको वो ग्रीन पास्चर्स में लेके जाता है. वो मुझे तरह तरह से खाना खिलाता है. वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है. लाठी है उसके पास, उस लाठी से वो मुझे मारता नहीं है, बेड़िए को दिखाता है. डोंट टच हिम, ही इज माइन, ये मेरा है. और लास्ट से वो कहता है इसी चरवाहे के साथ मैं सर्वदा रहूंगा. Amen. आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं मात्र ये सिद्धांत खुदा के फजल से अपने जीवन में लेकर आओ. बकवास, गलत बातें आपके विषय में बोली गई, तरह तरह की फॉल्स स्टोरीज पे ध्यान मत दे. कभी नहीं तो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे. आप करेंगे लेकिन आपको महसूस होगा खुदा ने मुझे यहां तक नहीं रखा था, मुझे बहुत आगे जाना था. कभी कभी हमारे टीचर्स, मैं अप्रिशिएट करता हूं टीचर्स को, दीदी आई सल्यूट यू, लेकिन आप है ना ये बात भी याद रखना, अपने बच्चों को है ना डफर मत बोलो, उनको समझाओ, उनको सिखाओ. मैं भी टीचर हूं, मेरे कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो चार चार साल से मेरे साथ में है, एबीसीडी भी नहीं सीखा है, लेकिन मैंने उन पे कभी मेहनत करना बंद नहीं किया है. मेरा विश्वास है एक दिन ये लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे. मेरा विश्वास है एक दिन मैं बैठूंगा, ये बोलेंगे, मैं सुनूंगा. कई बार आप देखो आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो सामने वाला बहुत सीरियसली ले लेता है. अगर आप कभी भी किसी से बात करते हो ना, बहुत सोच समझ के बात करो. ऐसा ना हो कि तुम्हारे शब्दों के कारण वो अपने लक्ष्य को छोड़ दे. मैं ऐसा था, इतना लोग मुझे तंग करते थे. मैं जब प्रभु में आया ना, मेरे टाउन के लोगों को मेरे बारे में अच्छे थॉट्स नहीं थे. हमने नया चर्च स्टार्ट किया, मेरे भाइयों से पूछो, लोग बोलते थे क्यों जाते हो उसके चर्च में, बैठने की जगह तो होती नहीं है. हमारे चर्च में सिर्फ 10 कुर्सियां होती थी. वो जिनको बोलते थे ना वो लोग हमें आके बताते थे कि वो लोग बोल रहे हैं एयर कंडीशन है हमारे पास, इसके पास क्यों जाते हो. मेरा दिल टूटता था, लेकिन खुदा ने मुझे एक दिन कहा वो तेरे मालिक नहीं है, मैं तेरा मालिक हूं. ये बड़ी बात नहीं है कि दाऊद ने गोलियत को मारा, बड़ी बात यह थी उसे सीखा था अपने खुदा को सुनना. A.W. टोजर ने कहा जब तक जीवित हो चरवाहे के करीब बने रहो, क्योंकि बेड़िया भेड़ से नहीं चरवाहे से डरता है. अमेजिंग लाइंस ऑफ दिस मैन ऑफ गॉड. आपने देखा मैं लास्ट 6 महीने से कितना उत्साहित करता हूं आपको. क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने देखा है अगर एक आदमी उत्साहित नहीं है ना, तो वो पाप से भी बाहर नहीं आ सकता. यीशु ने क्या कहा? पाप यह है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते. मुझे पाप से बाहर आने के लिए भी फेथ चाहिए कि वो मुझे निकालेगा. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये लर्न करो, जिसके कान हो वो सुने. ट्रस्ट मी, मैं नहीं सुनता मेरे बारे में. अभी मुझे कोई कुछ कहता है ना, इसने आपके लिए कहा, मैंने कहा ब्रदर इट्स कंप्लीटली ओके, मुझे मत बताओ, मैं कड़वा नहीं होना चाहता. आई लव हिम. फ्यूचर में कभी ये बंदा मुझसे मिला ना, मैं इसकी मदद भी करूंगा. You will be blessed. आप आशीषित होंगे. उसने मुंह फेर दिया.
वो जानता था इट्स अ डेंजर स्पॉट, ये गलत जगह है। बंद करने से पहले सिर्फ आपके दो मिनट, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं अब, क्योंकि मुझे लगता है नहीं, मैं कुछ और बता के पहले की लर्निंग आपके अंदर से नहीं लेना चाहता। डू यू नो क्यों यीशु हर दिन जैतून पर्वत पे जाता था? डोंट गिव मी अ किंडरगार्टन आंसर प्रेयर, सबको पता है वो जाता था। एनीथिंग एल्स, कुछ और जानते हो क्यों जाता था? सुनने, अपने बाप को सुनने जाता था। ये बता रहा आपने कहां पढ़ा, रीड द बुक ऑफ आइज़ाया, हर बोर को मुझे जगाता है ताकि मैं शिष्य के समान उसकी सुनूं। हर दिन जीसस, समझिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, हर दिन जीसस उठता था और वहां पर जाता था और घुटने टेक कर से बात करता था। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? और जब उसने मुझसे बात की मैंने विरोध नहीं किया। क्या बोलता था पिता उसे कि यीशु विरोध कर सकता था पर नहीं किया? वो बैठता था और आवाज आती थी, वो तुझ पर थूकेंगे एक दिन, एक दिन वो तेरी बेइज्जती करके तुझे ले जाएंगे, वे तुझे मारेंगे, तुझे पीटेंगे, तेरे मुंह पे थूकेंगे। हर दिन ये सुन सुन के वो तैयार हुआ। आपने देखा जब वो पहाड़ पे था, एलिया और मूसा उसे मिलने आए, क्यों आए? एक सुसमाचार में लिखा है वो उसकी मृत्यु की चर्चा कर रहे थे, उसे बताने आए। जीसस ह्यूमन था, उसे करेज की नीड थी। ही वॉज अ मैन, हर दिन वो उसको सुनने जाता था। कितनी बड़ी बात है, बाप बेटे का माइंडसेट करता था। उसे पता था बचपन से कि मुझे क्या करना है, फिर भी लिखा है मैंने विरोध न किया। मैंने कभी नहीं कहा नहीं ये मेरे साथ ना हो। एक दिन यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए लोग आते हैं तो वो क्या कहता है? अब मैं क्या कहूं पिता, ये घड़ी हट जाए, जबकि मैं ऐसी घड़ी के लिए ठहराया गया। अपने खुदा को सुनो, एलियाब को नहीं, शाउल को नहीं। लिसन योर गॉड। ब्रदर हम तो सुनना चाहते हैं, कैसे सुन सकते हैं? वचन, बाइबल, यही वो किताब है जिससे वो बात करता है, यही वो किताब है जिसके द्वारा वो आपसे आमने सामने बात करता है। ये किताब नहीं है, इट्स अ हार्ट ऑफ गॉड, ये उसका हृदय है। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु यही है। ओह यस, वो यही है। ही इज हियर। आप जानते हो आपके बीच पे चल रहा है। ही इज वॉकिंग। आप जानते हैं जो 2000 साल पहले इज़राइल में चला वो इस समय मुंबई में चल रहा है। लॉर्ड, ओ लॉर्ड, थैंक यू आने के लिए। धन्यवाद यीशु जी हमारे बीच में आने के लिए। जहां दो या तीन उसके नाम में जमा है वो वहां है। हम इसलिए नहीं, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आप विशेष हो, वो इसलिए आता है क्योंकि आपसे वो प्यार करता है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस,
I worship you. I worship you, Lord. Please come fast. Fast, brother, fast. अपनी आंखों को बंद करें. आइए अपने हाथों को उसकी तरफ फैलाएं. उससे बात करिए. उससे बात करिए. थैंक यू जीसस. आइए उससे बात करिए. स्पीक टू हिम. आप विश्वास कीजिए वो आपको स्पर्श करेगा. ही विल टच यू. तेरी दया कभी कम न होगी. तेरी दया कभी कम न होगी. तेरी दया कभी कम न होगी. तेरी दया कम न होगी. तेरी दया अपने हाथों को उसकी तरफ फैलाएं. अपने खुदा की ओर निहारें. अपना मुंह खोल के उससे बात करिए. अपना मुंह खोल के उससे बात करिए. आप जहां खड़े हैं वो आपको वहां स्पर्श कर देगा. यस जीसस, टच योर पीपल ओ लॉर्ड. दया कभी कम ना होगी. तेरी दया कभी कम ना होगी. तेरी दया कभी कम ना होगी. तेरी दया दया कम ना. पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में. आपने हमें अधिकार दिए. आपने कहा जो तुम कहोगे वैसा तुम्हारे लिए होगा. तुम पहाड़ से कहोगे और वो उखड़ कर समुद्र में जा पड़ेगा. यीशु के नाम में पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर जिंदगी को छू ले. हर जिंदगी को छू ले. Touch every life, Lord, I pray. Touch every life. लोग हमें कैसे भी देखें, पर तू हमें एक वॉरियर की तरह देखता है. तू हमें किंग की तरह देखता है. Oh Lord, you are the king of kings. Oh Lord, touch your kings, Lord. Touch your princes. Worship you. Worship you, Jesus. Yes, Lord. Blessed be your name. धन्यवाद यीशु. मैं विश्वास करता हूं तू हमारे बीच में है. ओ तू अपने लोगों को छू. इन्हें स्पर्श कर. इन्हें अंधकार से छुड़ा. इनकी बीमारियों को चंगा कर दे. इन्हें आजाद कर दे खुदावन. आई कमांड एवरी डीमन. आई कमांड एवरी सिकनेस. लीव इन द नेम ऑफ जीसस. यू स्पिरिट ऑफ हैवीनेस.
कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत हैवी हैवी सा लगता है. फादर इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू स्पिरिट ऑफ हैवीनेस लीव इन जीसस नेम. तेरी दया कभी कम ना होगी. तेरी दया कम ना होगी. अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, विश्वास कीजिए. अब उसका लहू आपको धो देगा, उसका लहू आपको स्पर्श करेगा. लेट द ब्लड ऑफ जीसस विल वॉश यू. पिता मैं प्रार्थना करता हूं, हर बीमारी के ऊपर हम तेरे लहू को लगा देते हैं, हर बंधन के ऊपर हम तेरे लहू को लगा देते हैं, हर दुष्ट आत्मा को हम कमांड करते हैं नासरी यीशु के नाम में. खुदा के लोगों को छोड़ के चले जाएं. फादर रिलीज द ब्लड ऑफ जीसस. रिलीज द ब्लड ऑफ जीसस. एवरी इन्फर्मिटी लीव इन जीसस नेम. Every infirmity, every disease, every sickness, हर बीमारी यीशु के नाम में चली जाए. Heal your people, heal your people, heal your people completely. अपने लोगों को चंगा कर. जो बच्चे हैं खुदावन उन्हें चंगा कर. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of the Lord I serve. Bless your people, Lord. Bless your people. Bless your people. अपने लोगों को आशीषित कर. मैं विश्वास करता हूं जैसे तूने गोलियत को खत्म किया था, तूने आज हमारे बंधनों को खत्म किया है, तूने आज बीमारियों को खत्म किया है, तूने आज श्रापों को खत्म कर दिया. हम आजाद हैं. वी आर फ्री In the name of Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. I worship you. I love you, Lord. I exalt you. Thank you for each and everything, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए. हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं. यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें. प्लीज प्रे फॉर अस दैट गॉड गिव्स अस आवर ओन चर्च सो दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन सिट देयर.
and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।